नरेला के स्वतंत्र नगर में बारिश ने लोगों का घरों में रहना दुश्वार कर दिया है। दिल्ली में हुई पहली बरसात ने ही कई इलाकों को जलमग्न कर दिया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। वहीं इस बरसात से कई लोगों का अब घरों में रहना मुनासिब नहीं रहा। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए, इन घरों में कैसे मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इन दरारों को देखकर किसी भी शख्स का दिमाग घूम जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि कैसे ये लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर इस घर में रहते होंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई भी कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। ये लोग दिन रात खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें डर हमेशा सताता रहता है कि कहीं भूकंप या बारिश से कब कोई बड़ी घटना ना घट जाए। अब आपको बता दें कि स्वतंत्र नगर की गलियों का ये हाल कैसे हुआ। दरअसल दिल्ली में हुई तेज बारिश से आसपास के खाली पड़े प्लॉटों में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, जिस वजह से सारा पानी अंदर ही अंदर रिश्ते रिश्ते बारिश के पानी ने मकान की नींव को खोखला कर दिया, जिस वजह से स्वतंत्र नगर की कई गलियों के मकानों का ऐसा ही हाल हुआ है। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत खाली पड़े प्लॉट मालिक से की, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, जिस वजह से आज ये लोग सब डर के साए में जी रहे हैं। तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, कैसे पूरी जमीन फट गई है। कभी सपने में भी इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इनके घर की दुर्दशा ऐसी हो जाएगी। ये लोग दिन रात डर डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन घरों में रह रहे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अब ये लोग अपने लिए दूसरा मकान ले सके। इस वक्त मैं स्वतंत्र नगर के ऐसे घर में खड़ी हूँ जहाँ लोग जो है मौत के साए में जी रहे हैं, और वो क्यों जी रहे हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। ये घर देखिए किस तरीके से पूरा डैमेज हो गया है। इसके जो पत्थर लगे वो पूरे तरीके से टूट गए हैं। ऐसा कारण है जो बारिश हुई है दिल्ली के अंदर, वो प्लॉट खाली होने की वजह से आसपास के जो पानी का रिसाव होने के बाद ये पूरा डैमेज हो गया है वही। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि MCT प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कों की सफाई नहीं होती, जिस वजह से भी पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। लोग काफ़ी परेशानी में जी रहे हैं, मौत के साए में जी रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे घर में डैमेज है। लोग जो हैं मौत की साए में जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही हालात है। हर कमरे को देखेंगे आपको वही नज़ारा, वही तस्वीरें मिलेंगी। देखिए किस तरीके से टूटा पड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन है, MCT प्रशासन या फिर जो खाली प्लॉट पड़े उनके मालिक? ये लोग डर डर के जी रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी अगर हल्की से भी भूकंप के जो झटके आए ये मकान ढह सकता है, गिर सकता है, लेकिन प्रशासन जो है चुपचाप चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हर घर में आपको वही डैमेज मिलेगा। आसपास के कॉलोनी में जितने भी जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनमें यही दरारें आपको मिलेंगी। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा नुकसान हो गया है घर का। इसका कारण ये है, जो पीछे प्लॉट खाली है ना, तो उसको हमने कई बार बोला है जो आपके खाली प्लॉट पड़े हैं इसका भरत करवा दो, नहीं तो आगे बारिश होगी, मतलब साफ सफाई नहीं होगी, किसी भी रीजन से हमें खतरा है। लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब भी हमने उसको तो बरसात के टाइम पे भी बोला है, MCD में भी कंप्लेंट डाली, हर जगह डाली, लेकिन सुनवाई कहीं पर नहीं हो पाई। अब यहाँ पर ये नुकसान हो गया, दोबारा बारिश होगी, ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया, मतलब जान मान के जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, मेरा सवाल ये है। क्योंकि जिससे भी बात करो, पुलिस कंप्लेंट डाल लिया वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, MCD में डाल लिया है वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, प्लॉट वाले से बात करी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मुझे कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कुल मिला के ये मैं चाहता हूँ जो ये खाली प्लॉट पड़े हैं ना, इनका मतलब जो प्लॉट वाला है उसने अब तक नहीं सुनी, या तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, या और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो खाली पड़े हैं इनका जो भरत होता है, ताकि आगे समस्या ऐसी ना हो, जल्द से जल्द वो। मैम ये हमारा घर क्या नाम लेकर बारिश की वजह से, अब पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसकी वजह से सारा पानी हमारे
घर में भर गया, जब हमारा घर नीचे बैठा तो उसमें इतना इतना पानी था क्योंकि वो पीछे प्लॉट की वजह से, उस प्लॉट में हम कम से कम मेरे जितना पानी भरता है। और हमने एमसीडी वालों को कोई कंप्लेंट की, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी, हमने पुलिस वालों तक को कम 100 नंबर पर फ़ोन किया, वो हमारे तक घर तक देखने नहीं आए। और जो प्लॉट वाले हैं वो हमें उल्टा धमकी देते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक, और ना ही पुलिस वालों ने ना ही एमसीडी वालों ने। और यहाँ की नालियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, एमसीडी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सारी नालियों में बारिश होते ही तुरंत पानी भर जाता है खूब। यस मैम बिल्कुल, कभी भी अगर भूकंप का झटका आया तो घर सारे ढह सकते हैं, बिल्कुल पानी की वजह से ही है। ये जो मकानों में डैमेज आया कैसे है बताएंगे जरा? मैम ये जो है ना, जो पीछे खाली प्लॉट पड़े हैं उनकी वजह से दिक्कत हो रखी है, वे अपने का ना तो भरा करवाते ना कुछ करवाते, हमको परेशानी हो रही क्योंकि हमारे पास तो कोई करने वाला भी नहीं है। आपने उनको बोला कि भाई इनको भरवा लो हमारे मकानों? कितनी बार जाके बोल चुके उनको, कितनी बार जाके बोल चुके भाई इनको जो है ना या तो मिट्टी डलवाओ इसमें, इसकी सुविधा करो कुछ भी, हमारे को परेशानी हो रही। उन्होंने अपना पेड़ उखाड़ा था, दो पेड़ वहाँ से, पेड़ उखाड़ने के बाद में जो है ना आज मेरे घर में पानी आ चुका है। उस दिन अकेली थी मैं घर में, मेरे मतलब मेरे पास कोई नहीं है सहयोग वाला कि मैं दूसरे बंदे को किसे किसे बुलाऊँ कि भाई मेरी मदद करो, और रात को किसको किसको बुलाऊँ मैं? आदमी मेरे पास नहीं है, बच्चे मेरे पास नहीं है, मैं अकेली परेशान हूँ। तो बता हम मैंने इनके पास फ़ोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका कि भाई यहाँ पे आ जाओ, घर में पानी भर चुका कि पूरा जो है ना हमने टप टप से पानी निकाला सारा। आपके घर में भी ऐसी हालात बनेंगे डैमेज? हाँ हमारे घर में भी हालात ऐसे, तूड़ा के रखा है जी, तूड़ा उठाने गए बोलने गई तो मेरे को बोल रहा है जो तेरे को करवाना करवा ले, मैं नहीं उठाता। और प्लॉट वाले को बोल रहा भरत करवा दे, उसने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जी। और मैं किडनी के पेशेंट हूँ, मेरे कमाने वाले इतने नहीं है, मेरा पूरा घर बैठ गया। देखो जी मैं बोतरो रीति उदन भी नहीं, मेरे को धमकी दे रहा था, बोला नहीं होएगा जो तेरे से कराना है करा लो। ये जो हाल फिलहाल में 19 तारीख की जो बरसात हुई थी उस दौरान हमारे पास में वाला जो प्लॉट है उसमें कम से कम 6 फीट के आसपास में पानी फिल भर गया था, और बैक साइड में भी एक 200 गज का प्लॉट है वहाँ पर भी लगभग 5 से 6 फुट के आसपास में पानी स्टोर हुआ था। उसी की वजह से हमारे जो मकान है इसकी जो दीवार है वो क्रैक हो चुकी है, और जो फ्लोर है वो हर एक कॉर्नर से बिल्कुल डैमेज हो चुका है, हर एक कॉर्नर। ऐसी हमारे घर में 100 गज का मेरा प्लॉट है, इसमें कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है कि मैं अपने आप को वहाँ पर सेफ महसूस करूँ और हम अपना सामान वहाँ पर रख सकें। तो ये बड़ी मतलब मेरे लिए बहुत टिपिकल टाइम है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ इसमें। मेरे साथ में मेरी मदर है, 2 गुड़िया है मेरे पास, और बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे एक ये समझिए कि मैं बिल्कुल मौत के मुंह में फ़िलहाल अपना समय गुजार रहा हूं। और मुझे ये लगता है कि अगर हल्का फुल्का ज़रा सा भी इस टाइम पे कोई भी अर्थक्वेक आता है तो एक कोलैप्स कर जाएगा मेरा मकान, और मेरे तो जान और माल सब तरह से मेरा लॉस हो जाएगा। मैं इसमें सिर्फ गवर्नमेंट और जो ये ओनर है जो हमारे साथ वाले जो प्लॉट हैं इनके मालिकों को ही जिम्मेवार मानता हूँ कि हमने उनको कई बार ही इन्फॉर्म किया था कि आप मिट्टी का भराव करा लीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पे कोई भी अमल नहीं किया, और उसी की वजह से आज हम इस तरह की प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं। ये बरसात हुई थी 19 तारीख को, 19/7/2021 में, और बरसात होने की वजह से बराबर में जो प्लॉट खाली पड़ा है वो कम से कम 6 फुट के करीब गहरा है, उसमें पानी भरने की वजह से जो है ये यहाँ पे हमारे मकान में जो दरारें आई है वो इस तरीके से आई है। और हमने उस प्लॉट वाले को कई बार ही बोला है, सूचित भी किया है कि इसको आप भरवा दो, मिट्टी गिरवा दो इसमें, लेकिन उसने नहीं मानी। और नहीं मानने की वजह से आज हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है कि हमारा मकान जो है आज गिरने के तावत पे है, जो कि हमें अभी करीब 4 महीने पहले ही हमने ये मकान किसी से ब्याज पे पैसे लेके बनाया है, और इसमें फिर दोबारा पैसे लगाना पड़ेगा। अब गिर सकता है, डर रहे हैं, मर रहे हैं, कभी रात को भी हमें नींद नहीं आती इस चक्कर में कि वो हो सकता है कि ये मकान कभी भी दीवार इसकी गिर जाए और हम इसके नीचे दब के मर जाए। अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं रहा, जो ब्याज पे पैसा है उसका ब्याज का पैसा ही अभी तक उतरा नहीं है, तो ये दोबारा से हम कैसे करें? कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एमसीडी की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि समय रहते अगर एमसीडी प्रशासन मॉनसून को लेकर सतर्क हो जाता, वक्त रहते नालियों की सफाई हो जाती, साथ ही उन खाली पड़े प्लॉटों से अगर पानी को निकाल दिया जाता तो आज इनके घरों की हालत ऐसी ना होती। इन सब के पीछे एमसीडी प्रशासन और
प्लॉट मालिक की बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से ये लोग डर के साए में आज यूं जी रहे हैं। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।